आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। माँ के दूध की अहमियत और इफादियत के मुताल्लुक हफ्तावारी शऊर बेदारी प्रोग्राम के ज़ुमन में बल्दी हलके 24 और 42 रामिया बौली से मुताल्लिक आंगनवाड़ी मराकज की जानिब से मुश्तरिका तौर पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खसूसी मजलिसी कौंसलर अब्दुलरशीद मुश्ताक बल्दी हलके 24 और राम लक्ष्मण कौंसलर बल्दी हलके 42 ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मस्कूरा आंगनवाड़ी मराकज से मुताल्लुक इलाकों की हामिला जच्चा खवातीन में माँ के दूध की अहमियत और इफादियत से मुताल्लुक शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर अब्दुलरशीद मुश्ताक ने कहा कि माँ का दूध बच्चे की नशोनुमा में सबसे अहम और मुआविन साबित होता है। माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चे की खुराक में अपने दूध को फौकियत दें। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र नसीम सुल्ताना और मुतालिका आंगनवाड़ी टीचर्स के अलावा ख्वातीन की कसीर तदाद मौजूद थी। मेरी आंखों से गुजारिश है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर अच्छे से अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है, वहाँ पर बताओ। एक दिन दो दिन नॉर्मल देखते हो कहने लगाते कैसा कहा तो मैडम को बोलो और हमको बोलो। मैं आता हूँ नए डॉक्टर से वहाँ गायनेकोलॉजिस्टों को मिलता हूँ बोलता हूँ। मेरा मकसद ये है कि अर्बन सेंटर अपने पास मैडम अच्छा देख रहे हैं आगे, चाहे आपके रामे बोली रहते हमारे राम अन्ना के वार्ड के रहते कहीं के भी रहने मैडम बने आओ चेकअप कराओ। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाइए जाके बता दो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर दो, मैं खुद पर्सनल आता हूँ। किसको बोलना है, वहाँ HOD को बोलना है, किसको बोलना, अच्छी सर्विस दे रहा। बोलने का मतलब क्या है, नॉर्मल की कोशिश कर। अब वो जाते थोड़े से लोगों में सफर नहीं रहता, सफर नहीं रहता दर रात को तो माँ बाप क्या करते रहे बच्चे पैसे प्राइवेट में जाते क्या प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ बोल देते। लिहाजा मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके वहाँ वहाँ बता के वहाँ नॉर्मल कराने की कोशिश करो। जो मेरे से मदद करना हो मैं भी आता हूँ, मिल के बोलता हूँ। हमारे मैडम भी है, अपने रामन्ना भी है, उनके वार्ड के भी कोई भी रहने दो, ये मामले में कोई भी रहने दो, जैसे टच में रहो। मैं खुद आता हूँ पढ़ने के लिए, मैं रामन्ना भी उनके गए थे, जाके बोल के बता के कहीं भी रहे तो अपन आते बोलते ही ठीक है ना। ప్రతి తల్లి ప్రతి బిడ్డకి తల్లిపాలు త్రాగించాలని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్ల పుట్టిన 6 నెలల వరకు ఓన్లీ మన తల్లిపాలు మాత్రమే త్రాగించాలి. వీళ్ళు ఎలాంటివి కూడా పదార్థాలు తినవట్లేదు. వాళ్ళ భూపు అయిందని మన కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాటర్ తాపి అని అనుకుంటారు. అన్ని తల్లిపాల ద్వారానే వాళ్ళకి అన్ని అందుతాయి అన్నమాట. తల్లి మంచి ఆహారం తీసుకొని పిల్లలకు 6 నెలల వరకు ఓన్లీ తల్లిపాలు మాత్రమే త్రాగిస్తూ 6 నెలలు దాటిన పిల్లలకు తల్లిపాలు త్రాగిస్తూ అదనపు ఆహారం ఇవ్వాలి. 2 ఏళ్ళ వరకు తల్లిపాలు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. అట్లా ఇచ్చిన పిల్లలు మాత్రం మంచి ఎదుగుదల ఉంటుంది, వాళ్ళకు వయసుకు తగ్గ బరువు ఉంటారు, వయసుకు తగ్గ ఎత్తు ఉంటారు, అన్ని మెదడు కూడా మంచిగా పని చేస్తుంది ఆ పిల్లలకు.